नमस्कार, मैं हूं अजुम खान। दिनभर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नागरिकों ने नगर परिषद कार्यालय में किया प्रदर्शन, एएम को घेरा, 7 दिन का अल्टीमेटम। टाउन के बाद 19 में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी गिरफ्तार करने की मांग। कलेक्टर से मिले विभिन्न दलों के प्रतिनिधि। नगर पालिका चुनाव की तैयारी, पार्षद बनने के लिए 10वें पास होना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद के कथित बदहाली के विरोध में आम नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले नागरिकों ने नगर परिषद कार्यालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने एएम राजेंद्र स्वामी का घेराव किया और 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 7 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो नतीजे गंभीर होंगे। नगर परिषद के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों में युवाओं और महिलाओं की तादाद कम नहीं थी। आम नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले नागरिकों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उनका कहना था कि विभिन्न वार्डों में एनओसी नहीं मिलने से बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं हो रहे, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। समिति के राजेंद्र सिंह रोमाणा, सुरेंद्र बेनीवाल, विमला मोदी, छात्र संघ अध्यक्ष दुष्यंत चाहर आदि ने कहा कि नगर परिषद का ढांचा खराब हो चुका है। उन्होंने एएन राजेंद्र स्वामी को 11 सूत्री मांग पत्र दिया और 7 दिन में हल करने का आग्रह किया। उस पर कब्जा हटाए हुए 1 साल हो गया है, आज तक उसका मलबा नहीं हटा है। वह मुख्य सड़क है जो हमें अस्पताल से जोड़ती है और उस सड़क पर आज कीचड़ मलबा है, जिसके कारण नागरिकों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर पालिका को बहुत बार अवगत कराने पर भी उसने सुध नहीं ली है। हमने बहुत बार ज्ञापनों के माध्यम से यह जताया है, नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। आज जो हमने तंग आकर ये विरोध प्रदर्शन किया है, अगर हमारी मांग जल्दी पूरी ना होगी तो हम आंदोलन करेंगे। आम नागरिक इतना परेशान है कि वो जाए तो जाए कहाँ। अरे बेटा, गंदे पानी की बहुत समस्या है हमारे, रोटी कौन खास का, सब घर भर जाए ना, हमारे कोई हो जाए हो वाल्मीकि नहीं ए भी ना जाए, कोई गंद नहीं काटे हमारे मोहल्ला का माँ। और खुदा खुदा के टैंक छोड़ दिया, एक पंजी नहीं मिली माने, जो वह दरड़ा गंदे पानी भर जाए हमारा, कोई हाल को नहीं, हमारा जीणो राम हो रहा है, रोटी पानी खानो राम हो रहा है हमारो, जाके आप देख सको भी मारो क्या हाल है, कादो हमारे काट सके नहीं, और घर मारो गंदा पानी भरे पड़े है, कोई हाल को नहीं मारे मोहल्ला को। 16 नंबर गली अम्बेडकर कानूनी है, गली का मानी नाली भरी भरी रहे, और हमारी कोई फूटगी नाली वो पानी जा के हमारी कोई फूटगी, 12 की सड़क की कोई फूटगी हमारी, और हमारी पानी की बबरीजगी, आप बैठेगा ना तो हमारे
फार्म लिखे ना माने पैसा मिले मन मन कान पे पैसा कौन मिले हमारे फार्म आयो कोई पैसा माने नहीं दिया। यार देखिए समस्या हो रही है नाली यार आगे नहीं मार्ग कुर्सो मार्ग चले जाए नाली साफ नहीं करती है और नाली यानी भरी की भरी पड़ी है पानी में हमारी कोई बैठ गई है नाली सड़क पर कोई हमारी बैठ गई डेढ़ साल से समस्या हो रही है हमारी कोई नहीं सुनाई करता हम तो आते हैं चले जाते हैं आप सुनाई करो हमारी 17, 23, 32, 33 सभी वार्ड के लोग बैठे होके आए थे नगर परिषद किसी को तो सड़क कर नाली कोई का काम नहीं कर रहा सफाई व्यवस्था का तो बहुत ही बुरा हाल है। आज सभापति से मिलने आए थे वो यहाँ नहीं ना यो साहब थे आज स्वामी जी से बात हुई है इन साहब से वो कह रहे हैं 7 दिनों का उन्होंने समय लिया है 7 दिन में अगर हमारा काम नहीं होता हम इसके आगे आंदोलन बढ़ाएंगे। जैसे बीजेपी सरकार बनी थी लोगों को लगा था अच्छे दिन आएंगे ये तो पहले से बुरे दिन आ गए। सभापति जी को काम करवा नहीं रहे जहाँ भी सड़कें बन रही है बड़े बड़े लोगों के बनी आम जनता बड़ा दुखी है। स्वच्छ भारत का जो नारा लगा रही है ये बिल्कुल नाकारा है कोई काम का नहीं है ना कोई सफाई हो रही है गलियों मोहल्लों इतनी गंदी है बीपीएल के नाम पे कईयों के कार्ड कट चुके हैं कईयों के खाद्य सुरक्षा के कार्ड कट चुके हैं लोग जगह जगह धक्के खा रहे हैं कोई सरकार नहीं सुन रही। और इससे अच्छी पुरानी सरकार थी जो कुछ योजनाएं लाई और वो कामयाब होने वाली थी कि उन्होंने उन योजनाओं का भी सबको खत्म कर दिया और कह रहे हैं जो आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे मिल रहे थे उनको एक एक किस्त मिली है उनकी छत लगनी थी ये जो सरकार आई है इन्होंने उसकी छत उड़ा दी कहते हैं योजना बंद हो चुकी है लोगों के जो एक एक कमरे थे वो भी गिर चुके हैं क्योंकि वो 25,000 के भरोसे बैठे थे कि आगे किस्त मिलेगी। जब नई सरकार आई तो उन्होंने किस्त बंद कर दी और जो सड़कों के टेंडर पास हुए थे वो सभी निरस्त कर दिए गए हैं कह रहे हैं कि अभी हमारे पास बजट नहीं है इस कारण से हम पैसे नहीं ले सकते हमारे पास बजट नहीं है। जो नई सरकार आई है उससे लोग इतने परेशान हुए हैं इनके जब मोदी सरकार पे लोगों को इतनी उम्मीद थी उन उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। शहर की कुछ समस्याओं को लेकर के नगर परिषद आयुक्त को 11 सूत्री मांग पत्र पेश किया गया है जिसमें मुख्य रूप से शहर के कुछ वार्डों में पानी और बिजली के लिए एनओसी नहीं देने की समस्या है। सड़कों के और नालियों के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं लेकिन वो काम में नहीं कर रहे हैं उनमें नगर परिषद के बोर्ड के साथ साथ नगर परिषद के कर्मचारी भी राजनीति कर रहे हैं। वार्ड नंबर 26 में पारिक कॉलोनी की हालात बहुत बुरे हैं वहाँ स्ट्रीट लाइट के लिए और नालियों और सड़कों के निर्माण के लिए जो है वो 11 सूत्री मांग पत्र में मांग की गई है। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था जिस दिन से स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू हुआ है उस दिन से हनुमानगढ़ की नगर परिषद ने पूरे हनुमानगढ़ को एकदम से साफ कर दिया है। हनुमानगढ़ जो है उन्होंने इस तरीके से कर दिया है कि वहाँ रहने की जरूरत नहीं है इतना साफ कर दिया है। तो हम लोगों का चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हनुमानगढ़ शहर का हर नागरिक जो है वो जागरूक हो और अपनी जो समस्याएं हैं उनके लिए प्रशासन के हर आदमी के पास जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। दूसरी तरफ नगर परिषद के सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी ने स्काई चैनल को बताया कि नागरिकों का 11 सूत्री ज्ञापन मिला है स्थानीय स्तर से जुड़ी मांगों पर गौर किया जाएगा जबकि राज्य सरकार स्तर की मांगों पर नगर परिषद कुछ नहीं कर सकती। और कुछ दूसरे वार्डों से भी लोग आए हैं इनके 11 सूत्री मांग पत्र दिया है जिसमें वार्ड नंबर 16 में सड़क निर्माण का है एक कोई नाले निर्माण का है पीछे जो बीपीएल अभ्यर्थियों को जो किस्तें दे चुके हैं उनकी किस्तों का है पारी कॉलोनी में सड़क का है। गुड मॉर्निंग सर आइए सर कोई स्वच्छ भारत के अंदर जो पैसे दे रहे हैं उनका है एनओसी 16-17 ये जोड़ पाइथन के कारण एनओसी नहीं दी जा रही है इन सब का है। तो ये कुल मिला के 11 बिंदु हैं इनके तो इनकी जो समस्याओं का समाधान कर सकेंगे जो करेंगे नगर पालिका स्तर पे जो संभव है वो करेंगे। जैसे कुछ राज्य सरकार से संबंधित है बीपीएल जो सरकार ने बंद कर दी है योजना तो उसमें तो नगर परिषद कुछ नहीं कर पाएगी। पानी बिजली की जो कोई सुधार की बातें हैं जो नगर पालिका पूरी तत्परता से इस कार्य को करेगी। टाउन के वार्ड 19 में मनोज सिंधी नामक युवक ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पार्षद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को राजकीय चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। टाउन के वार्ड 19 में मनोज सिंधी नामक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। एएसआई जगदीश सिंह ने बताया कि पार्षद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। थाने में सूचना लेकर आया कि इस तरह से एक लड़का हमारे मोहल्ले में फांसी खा गया है। जिस पर मौका पर पहुंचे तो वहाँ उसके कजन वगैरह या फादर सभी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने उसका नाम मनोज सिंधी बताया और यहाँ किराए के मकान में रहता था। इसकी मिसेज है वो टीचर है जो सुबह से स्कूल में गई हुई थी अभी
बाद ड्यूटी के वापस आई तो उसने देखा कि कमरे में आके कुछ वो पंखे के रस्सी से लटका हुआ मिला। हमने वहाँ जाकर के देखा तो पंखे पे लटका हुआ था, जिसकी फोटो करवाई। बाद फोटो करवाई के वहाँ हॉस्पिटल पीएम के लिए लेके आए। अभी तक सुसाइड करने के कारण का कोई पता नहीं है, आगे जांच में जो भी पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पीलीबंगा में 10 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को गिरफ्तार करने और थाना प्रभारी ऋषपाल सिंह चांद को हटाने की मांग को लेकर माकपा और कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होंगे। पीलीबंगा में एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित की गिरफ्तारी न होने से नागरिक अचंभित हैं। आरोप है कि थाना प्रभारी ऋषपाल सिंह चारण आरोपित को बचाने में जुटे हैं। बड़ी बात यह है कि उनका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वे सीट पर काबिज हैं। इस घटना से माकपा, कांग्रेस और भाजपा नेताओं में भी रोष है। बुधवार को माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, मनीराम मेघवाल और कांग्रेस नेता बलवीर सिंह सिद्धू आदि के नेतृत्व में लोग कलेक्टर रामनिवास से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक अगर दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया और थाना प्रभारी ऋषपाल सिंह चारण को नहीं हटाया गया तो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एकजुट होकर आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होंगे। में 10 साल की दलित बच्ची के साथ जो है रेप हुआ है और एक महीने से ज़्यादा टाइम बीत गया, जो आरोपी की पहचान कर ली, जगह की पहचान कर ली, उसके बाद भी वहाँ का जो CI है वो बहुत ही भ्रष्ट है और वो सारी जांच को निर्देशित कर रहा है और आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वहाँ बाजार बंद रहा है, 5-6 बार उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं कि गिरफ्तारी की मांग को लेकर। बहुत ही संवेदनशील सवाल है, इसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं रहेंगी, एक तरफ तो देश के अंदर ये बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, और 10 साल की दलित मासूम के साथ बलात्कार हुआ है, छोटा बच्चा उसके साथ था, पहचान कर ली है जगह की, और स्थिति भी ऐसी है कि सूरतगढ़ के टोल नाके के पास टोल कर्मी ने जाके उस बच्ची को लाई है, 5 दिन वो एडमिट रही है, उसके बाद भी पूरा पुलिस प्रशासन जो है संवेदनहीन है। आज हम जिलाधीश महोदय से मिले हैं और अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वहाँ CI को नहीं हटाया गया, आरोपी तो गिरफ्तार नहीं किया गया, तो पूरे पीलीबंगा के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ और वो जो है आंदोलन को मजबूत करेंगे। में जो दलित बच्चे के साथ करीबन आज 100 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई ऐसी कोई कार्रवाई प्रगति पर नहीं की जिससे कहा जा सकता है कि पुलिस का कार्य संतोषजनक है। और पीलीबंगा में इसके लिए सभी पार्टियां, सभी दलों के वो उस बच्ची के साथ हैं, उन्होंने बाजार बंद करवाया है, CI उसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं, ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी कुर्सी पर विराजमान है, शराब में नशे में रहता है और कोई कार्रवाई नहीं करता। और अगर वहाँ CI को नहीं हटाया गया और बच्ची के कुकर्म करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगामी सारे संगठन जो है एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे और सड़कों पर आएंगे। जिले की 5 नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी रामनिवास ने पत्रकारों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक कर तैयारियों की जानकारी दी। वहीं उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सबसे सहयोग मांगा। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया, पीलीबंगा, रावसर, नोहर और भादरा में नगर पालिका चुनाव की तैयारी जोरों पर है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी रामनिवास ने पत्रकारों और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त मीटिंग ली। इसमें जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिमोहन महर्षि, पूर्व पार्षद इंद्रमोहन सिंह धानका, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता तरुण विजय और DCC सचिव एडवोकेट विजय सिंह चौहान आदि ने भाग लिया। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक संगरिया, पीलीबंगा और रावसर नगर पालिका क्षेत्र में 25-25 वार्ड हैं, जबकि नोहर और भादरा में 30-30 वार्ड हैं। संगरिया में पालिका अध्यक्ष का पद OBC वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि पीलीबंगा में अनुसूचित जाति, रावसर और भादरा में सामान्य महिला और नोहर में सामान्य वर्ग का पालिका अध्यक्ष होगा। पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 40,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान है। जो मतदाता है संगरिया में, वार्ड संख्या 25 है, मतदाता की संख्या 25,002 है। पीलीबंगा में वार्ड की संख्या 25 है और मतदाता की संख्या 24,796 है।
अवसर में बालवीर सिंह के 25 है और 22,715 मतदाता है। नोहर में 20 वार्ड है और 31,933 मतदाता है और भादरा में 20 वार्ड संख्या 28,779 वार्ड नंबर 9 के जो मतदाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी रामनिवास के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सबका सहयोग जरूरी है। आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सावचेत रहने की जरूरत है। बैठक जो नगर पालिका के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं उसके बारे में तो जानकारी देने के लिए, जो खासतौर से चुनाव के दौरान जो जो हमें आचार संहिता की जो पालना की जानी होती है उसके जो प्रावधान है उनके बारे में संस्थाज करने के लिए जानकारी देने के लिए, आम पब्लिक को जानकारी देने के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई थी। इसमें खासतौर से जो प्रेस के साथ जो वार्ता करने का ये इसको उद्देश्य बताया कि हम जो प्रावधान किए हैं चुनाव कराने के लिए, जो हमें चुनाव शांतिपूर्ण और निर्विघ्न रूप से कराए जाने उसके बारे में एक आम जानकारी दी। जिला कलेक्टर रामनिवास के मुताबिक नए नियमों के तहत पार्षद बनने के लिए दो पात्रताएं जरूरी हैं। पहली तो यह है कि अभ्यर्थी 10वीं पास हो और दूसरी उनके आवास पर शौचालय हो। इस बार नई शर्त लगाई गई है राजस्थान में राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा, उसमें कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है और दूसरा इसके साथ जो शौचालय का निर्माण उसमें जो होना चाहिए, ये दोनों उसको इस बार फॉर्म भर के देने होंगे, उसके बाद ही उसके कैंडिडेट को तय किया जाएगा। शौचालय से मतलब ये कि उसके शौचालय की भी परिभाषा दी गई है कि शौचालय कैसा हो, उसमें 3 दीवार हो, ऊपर से उसका छत उसके ढकी हो, गेट हो और पानी की उसके अंदर व्यवस्था हो। तो दो शर्त इस बार नई शर्तें हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी के लिए आपको समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, एमएससी बॉटनी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमकॉम एबीएसटी, एमए जियोग्राफी, एमए सोशियोलॉजी, एमए पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है जिसमें एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा एमए ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशियोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही है। माता किताब कोर आईटीआई एनसीवीटी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हनुमानगढ़ जिले की पहली क्यूसीआई एफिलिएटेड संस्था, जहां इलेक्ट्रीशियन और फिटर से संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला कैंपस, हर तरह के इक्विपमेंट व मशीनरी से सुसज्जित लैब, हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। हमारी संस्था 2004 से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। सुनिश्चित रोजगार, छात्रों के आने जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक वाईफाई व सीसीटीवी कैमरा से युक्त क्लासरूम, बीकानेर संभाग की एकमात्र आईटीआई। यहां सीएनसी मशीन द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में जॉब से पहले इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, नवीन उपयोगी तकनीक से प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। माता किताब कोर आईटीआई कैंपस,
14 SSW कोहला टोल नाके के पास मेगा हाईवे हनुमान डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर चले आए। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। पिछले 51 वर्षों से बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन व बंसल इलेक्ट्रो पावर आपको इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों में पूरी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंदर सर्विस, मार्जिन ऑफ मनी कम, उत्पादनों की गुणवत्ता हमारा उद्देश्य रहेगा और आप हमें सेवा का मौका अवश्य देंगे। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, हनुमानगढ़ टाउन। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण का ढोल पीटा जा रहा है तो दूसरी तरफ रेलवे अधिकारियों के निशाने पर है 50 साल पुराना नीम का पेड़। बार बार पेड़ काटने के फरमान जारी किए जाते हैं, लेकिन नागरिकों के विरोध को देखते हुए रेलवे अधिकारियों को अपना फैसला टालना पड़ रहा है। यह है नीम का पेड़, वो पेड़ जो करीब 50 साल से इस शहर के विकास क्रम का गवाह है, लिहाजा इससे आमजन का भावनात्मक लगाव है। यही वजह है कि जब भी रेलवे के अधिकारियों ने पेड़ कटवाने का फरमान जारी किया, उन्हें पीछे हटना पड़ा। मार्केट के लोगों के विरोध के बीच पेड़ की हत्या मुमकिन नहीं हो पा रही। बुधवार को भी रेलवे कर्मी सुरक्षा बल को साथ लेकर पेड़ काटने पहुंचे, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रकाश तंवर के नेतृत्व में युवाओं ने स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें नागरिकों की भावना से अवगत करवाया। रेलवे प्रशासन हनुमानगढ़ सौंदर्यकरण के नाम पर एक 50 वर्ष पुराना पेड़ है, जो नीम का पेड़ है, जो रेलवे बाउंड्री में भी नहीं आता, उस पेड़ को काटने का ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और मार्केट के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये पेड़ 50-60 वर्ष पुराना पेड़ है। इस पेड़ के साथ लोगों का भावनात्मक जुड़ाव तो है ही है, और इस पेड़ के नीचे लगभग 20-25 परिवारों का रोजगार जो जीविकोपार्जन हो रहा है, और लगभग 3-4 बार इन्होंने रेलवे प्रशासन ने काटने का प्रयास किया और मार्केट वालों ने विरोध किया है, और आज रेलवे प्रशासन सुरक्षा बल के साथ में पेड़ काटने के लिए आया और मार्केट वालों ने उनका पुरजोर विरोध किया। किसी भी सूरत में इस पेड़ को कटने नहीं दिया जाएगा, ये हम सभी हनुमानगढ़ के जो मार्केट वाले हैं उनका ये कहना है, किसी सूरत में पेड़ नहीं कटने दिया जाएगा। युवा नेता प्रकाश तंवर ने कहा कि रेलवे मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं है। स्टेशन कैंपस में गंदगी अटी पड़ी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और पेड़ काटने के लिए अधिकारी जुटे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मूलभूत सुविधाएं हैं रेलवे की, वो ना के बराबर है। सफाई है तो यहाँ 2 मिनट भी सांस लेना बहुत दुभर है, 1 मिनट भी आप नहीं खड़े रह सकते, और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बार बार अवगत कराने के बावजूद भी इन DRM और GM इंस्पेक्शन तब होते हैं, तब ये एक नाम मात्र सफाई करके और अपना खाना पूर्ति करते हैं, और अब उनके जाने के बाद फिर वही हाल जस के तस। आज रेलवे प्रशासन से सभी मार्केट वाले मिले, सफाई व्यवस्था के बारे में भी मार्केट में पूरा आक्रोश था, और उनको इस बार चेताया गया, आखिरी चेतावनी दी गई है। अब अगर सफाई व्यवस्था माकूल नहीं की तो इसके लिए रेलवे प्रशासन का पुरजोर विरोध करेंगे। टाउन के पास डेरा गणेश धाम संन्यास आश्रम को बंद करने की मांग को लेकर नागरिकों ने ASP महेंद्र हिंगोनिया से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बासन के अध्यक्ष उगरसर नैन और अधिवक्ता विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में नागरिकों ने कहा कि अगर बाबा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बाबाओं की एक और करतूत सामने आने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आरोप है कि टाउन के पास डेरा गणेश धाम संन्यास आश्रम के संचालक सुरेशानंद ने पास के एक घर में महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश की। उसने परिवार के पुरुष सदस्य की आंख में फेविकोल डाल दिया, लेकिन महिला ने बाबा को देख लिया, इससे उसका भांडा फोड़ हो गया। बताया जाता है कि बाबा पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है।
ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस ने बाबा के घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने के प्रयास को लेकर मुकदमा दर्ज नहीं किया बल्कि 151 में पाबंद करवा दिया। इससे नागरिकों में रोष है। बारसंघ अध्यक्ष उग्रसेन नैन, अधिवक्ता विजय सिंह चौहान और आशीष बजाज आदि ने एएसपी महेंद्र हुंगोनिया को ज्ञापन देकर बाबा को पकड़ने की मांग की। ने बाबा के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी और उसमें ये लिखा हुआ 340 पर रमेश कुमार जी घर पर बैठे थे और बाबा जी ने फेविक्विक डाल के और एक आपराधिक मामला किया है जिसके अंदर महिलाओं को सुरक्षित किया जाए और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एसपी साहब को सबसे ज़्यादा उस डेरे बाबा को वहाँ से निकाला जाए और बाबा उसको डेरे को बंद किया जाए। की जांच नहीं करवाई गई और उनको 151 में पाबंद कर दिया गया जबकि आपराधिक मामला बनता है। घर में घुस के उन्होंने अत्याचार किया है और पुलिस से दरख्वास्त की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको डेरे से निकाला जाए। पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा कि हमने कहा कि अब दोबारा कुछ करेंगे तो हम कुछ देखेंगे। हम क्या उस अपराध का इंतजार करते रहे भी वो अपराध बड़ा करे और उसके बाद जाके पुलिस वाले कुछ करेंगे। अंदर गए थे पुलिस वाले हमें ही कहने लगे, कहते अगर आप इनको कुछ बाबा जी को करोगे तो हम आपको 302 के अंदर अंदर बंद कर देंगे। और हमारे से बदतमीजी करने लगा थानेदार, कहता जी ये है वो तुम्हारे को ज्यादा पता है। मैंने उनको कहा मैं ये अंदर दीवार को रोज करके आया है इसके अंदर 151 कैसे बनती है। कहता तेरे को ज्यादा पता है, तू वकील है क्या, चल यहाँ से बाहर। मेरे को उसने बाहर कर दिया जी और मेरे को धमकी देने। अब हम ये चाहते हैं हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा बाबा कभी डेरे के अंदर नहीं आना चाहिए, उसको गिरफ्तार कर उस पर सख्त की सख्त कार्रवाई। टाउन जंक्शन मुख्य मार्ग पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा पहले समझाइश का रास्ता अपनाया गया है। समझाइश का असर नहीं होने पर सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा टाउन भारत माता चौक से लेकर डेरा तक दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान नगर परिषद कर्मियों ने दुकानदारों से समझाइश कर दुकान का सामान सड़क पर सजाने के बजाय दुकान के अंदर ही रखने के निर्देश दिए। कर्मचारियों ने मौके पर खड़े रहकर दुकानदारों से सड़क का रखा सामान हटवाया। नगर परिषद द्वारा समझाइश अभियान के बाद 30 जुलाई से सामान जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। भारत माता चौक से लेकर डेरा स्वामी डेरे तक रोड को क्लियर करने के लिए, मतलब जो दुकानदारों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखे दुकान के बाहर जैसे जो भी सामान रखते हैं उसमें, दो दिन से ये समझाइश का कार्य चल रहा है कि अपनी दुकान अपनी सामान के अंदर रखे, अन्यथा 30 तारीख के बाद परिषद द्वारा इसको उठा लिया जाएगा। अगर किसी भी दुकानदार का बाहर सामान रखता है तो हम निवेदन भी करते हैं कि ये एक आमजन की सुरक्षा के लिए भी है, क्यों मेन हाईवे है, आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती हैं, तो सभी से निवेदन है कि अपना सामान दुकान के अंदर रखें तो एक प्रॉपर रोड पूरी खुली रहे, मतलब विडत पूरी रहे। तो दो दिन ये प्रेम से समझाइश चल रही है, अगर नहीं मानेंगे तो 30 तारीख के बाद नगर परिषद द्वारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। पंचायत समिति में ई मित्र संचालकों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान ई मित्र भामाशाह राशन कार्ड आधार कार्ड आदि को लेकर परफॉर्मा फिलिंग करने का तरीका बताया गया। इसके साथ ही निर्धारित रेट लिस्ट की जानकारी दी गई। पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक के दौरान ई मित्र संचालकों को सरकार द्वारा ई मित्र के जरिए आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं का निर्वहन सही ढंग से करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में भामाशाह राशन कार्ड आधार कार्ड आदि के परफॉर्मा की सही फिलिंग के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही ई मित्र पर किए जाने वाले कार्यों की रेट लिस्ट तैयार की गई। यह रेट लिस्ट सभी ई मित्र कियोस्क पर चस्पा की जाएगी। पंचायत समिति कैंपस में हमने समस्त ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ पंचायत समिति ई मित्र संचालकों को बुलाया है। इनको भामाशाह राशन कार्ड और अन्य ई मित्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं के परफॉर्मा के सही फिलिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है और इसके साथ ही साथ इनको यहाँ पे रेट चार्ट के संबंध में भी सूचनाएं दी जा रही है और इनको पाबंद किया जा रहा है ताकि ये
जितने भी सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा ई मित्र पर प्रदान की जा रही है, इसके लिए सही कीमत जो सरकार राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वही ली जाए। ज़्यादातर तो जो लोग राशन कार्ड के लिए और ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उनमें बेसिक त्रुटियां आ रही है, उसके रिगार्डिंग आज जो ये जो मीटिंग रखा गया है उसमें इनको बताया गया है भी आप जो ये आपकी बेसिक गलतियां जो आ रही है इसमें सुधार करें। और रेट लिस्ट रहा बात रेट का, तो रेट लिस्ट हर कियोस्क सेंटर पे हम लगवा रहे हैं और रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग इनको बोला गया भी आप जो चार्जेस जो ले रहे हो कस्टमर से वो रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ले, फिर इसका कानूनी कार्रवाई की जाती है कियोस्क होल्डर के खिलाफ और उसका सेंटर निरस्त किया जाता है DGS के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी के द्वारा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। राजस्थानी कल्चर पर आधारित मारो राजस्थान फिल्म के ऑडिशन टाउन फुटग्रेन धर्मशाला में होंगे। 2 अगस्त को होने वाले ऑडिशन में हरियाणा पंजाब सहित राजस्थान से ऑडिशन के लिए इच्छुक लोग पहुंचेंगे। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति कार्यरत है। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए MS बाबरा द्वारा संघर्ष समिति सदस्यों के साथ मिलकर लिखी गई फिल्म मारो राजस्थान राजस्थानी कल्चर पर आधारित है। इस फिल्म के लिए 2 अगस्त को फुटग्रेन धर्मशाला में ऑडिशन होंगे। ये जो हमने आंदोलन करे है, मीटिंग करी है, ये आ मीटिंग एक राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आ मीटिंग रखी है। ये राजस्थानी भाषा के मायने मेह लोक जी का कलाकार संघर्ष कर रहे हैं। आज जयपुर बम्बई हाँ हमारे राजस्थान में हर जगह जाकर मैंने ये मीटिंग रखी है और मैंने बम्बई में भी अपने ये शर्त रखी कि हमारी गुजराती भाषा को पंजाबी भाषा को मराठी भाषा को जो महत्व मिल गया तो हमारो भी हक माने मिलना चाहे। ये वास्ते MS बावरा की तरफ को घर घर प्रचार भी जाओगे और मेरे साथी जितने भी कल्चर कलाकार हैं हमारी राजस्थानी भाषा के मायने काम कर रहे हैं वो सारा ने धन्यवाद दे कि वो आंदोलन एक एकता रखे और अपन एक अपनी हक मांगने के लिए अपनों भी हक है। इस वास्ते सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वास्ते मैंने एक फिल्म मारो राजस्थान मैंने एक सनम फिल्म प्रोडक्शन से मारो राजस्थान फिल्म का निर्माण रखो है। आ फिल्म मारो राजस्थान एक राजस्थान के कल्चर पर बनी है, एक राजस्थानी स्टोरी को घर घर ज्ञान मिले लो कि राजस्थानी में कई हक है। ई राजस्थानी भाषा के माँ यह फिल्म आधारित है और इस फिल्म को मैंने बड़ी मुश्किल से बड़े संघर्ष से लिखी है ताकि यह मेरी फिल्म बम्बई तक पहुंचे और इसके जितने भी मेरे सहपाठी कलाकार हैं आज पुराने 20-20 साल पुराने स्टेशनों के कलाकार हैं मैं आंगो सहयोग ले रहे इस फिल्म का निर्माण करे हुए। इस फिल्म के वास्ते हमारे हनुमानगढ़ शहर में 2 अगस्त को ये ऑडिशन फूट ग्रहण प्लेस के अंदर इसका ऑडिशन है जिसमें हरियाणा राजस्थान पंजाब से सब बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और राजस्थान के अच्छे मधुर आवाज़ वाले भी बच्चे इसमें आ रहे हैं। कोई भी एक टैलेंट है वो बच्चे अपने टैलेंट दिखाएंगे उसको इस फिल्म में के अंदर काम मिलेगा। भट्टा कालोनी स्थित शिव भोले मंदिर में बाबा नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसके तहत बुधवार को भोलेनाथ का जलाधिवास करवाया गया। शिव भोले मंदिर सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत 1 अगस्त को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पंडित रतनलाल शास्त्री धार्मिक कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं। Oh, yeah.
भट्टा कॉलोनी स्थित शिव भोला मंदिर सेवा समिति के द्वारा प्रायोजित निर्माणाधीन मंदिर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत नीलकंठ महादेव सेवा समिति के सहयोग से और समिति ने शिव भोला शंकर सेवा समिति ने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया है जो सोमवार से प्रारंभ होकर के शनिवार पर्यंत चलेगा। शनिवार को प्रातःकाल 8:15 बजे भगवान नर्मदेश्वर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी जो नर्मदेश्वर प्राकृतिक हैं और भक्तों ने जाकर के स्वयं नर्मदा नदी से स्वयं लेकर के आए हैं। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर का यहाँ देवालय स्थापित होगा जो भक्तों के अभिष्ट पूर्ण हों। इसमें नाना प्रकार के कार्यक्रम हैं। आज भगवान शिव का जलाधिवास होगा और कल प्रातःकाल हवन के बाद अन्नाधिवास होगा और परसों 31 तारीख को महाभिषेक होगा प्रातःकाल और महाभिषेक के उपरांत जो है शोभा यात्रा कलशों सहित 108 महिलाएं कलश उठा करके और भगवान नर्मदेश्वर की नगर परिक्रमा करवाएंगे। 1 तारीख को प्रातःकाल शनिवार 8:15 बजे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्रावण के पहले दिन से ही भट्टा कॉलोनी वाले सभी वासियों को और शहर के सभी वासियों को भगवान नर्मदेश्वर के प्राकृतिक शिवलिंग की पूजा करने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके उपरांत जो है पूर्णाहुति होगी, पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण होगा और यह देवालय एक इस शहर के लिए एक अद्भुत और जो है प्रतिष्ठित देवालय होगा। टाउन स्थित पटेल पैलेस में चौकदार समाज की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कार्यकारिणी का गठन कर समाज की समस्याओं पर चर्चा की गई। चौकदार समाज की बैठक ऑल इंडिया अध्यक्ष आलम खान की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें हनीफ को अध्यक्ष, अनिल नागौरी को उपाध्यक्ष, सुल्तान को सचिव, मजीद खान को कैशियर नियुक्त किया गया। बैठक के दौरान कार्यकारिणी सदस्यों को समाज की कुरूतियों को दूर करने और समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात कही गई। चौकदार समाज गंगानगर और हनुमानगढ़ की आज मीटिंग हुई जिसमें एक कार्यकारिणी का गठन किया गया और समाज की कुरीतियां और शैक्षणिक कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई और हम चाहते हैं कि हमारे समाज का कार्यक्रम आगे बढ़े और ये मीटिंग हमने यहाँ पहली बार की है। वैसे हमारा राजस्थान में संगठन पहले से 25 साल से चालू है चौकदार समाज संस्था के नाम से और हम जयपुर से आए हैं और यहाँ पे ये जो कमेटी इनकी गठित की है जिनमें अध्यक्ष हमारे हनीफ साहब है। अब आइंदा यहाँ पे पूरी कार्यकारिणी का गठन करें और पूरा कार्यक्रम चलाएं। 1 महीने बाद हम फिर आएंगे और फिर आकर के एक नई मीटिंग लेकर के और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से देंगे। अलग जिलों में अलग अलग कमेटियां बना रहे हैं और इसी कमेटियों के संदर्भ में हम अपने संगठन को जोड़ रहे हैं ताकि हम सब संगठित होकर के हमारे समाज की कुरीतियां मिटे और शिक्षा का स्तर आगे बढ़े। आलम साहब आए हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने आगे का प्रोग्राम तय किया है समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। अगली मीटिंग 1 महीने बाद में जो भी बीच में सेंटर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का होगा जैसे रावसर है वहाँ हम रखेंगे और वहाँ पूरे समाज को बुलाने की कोशिश करेंगे और इन कुरीतियों के बारे में बताएंगे। लोग यहाँ पधारे हैं समाज के, उनका मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।